मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट जिसे हम अपनी ट्रैवल या वेकेशन प्लान करते हुए जल्दी से कंसिडर नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में स्टेट इंडिया के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का वन ऑफ द मेन सेंटर है। मध्य प्रदेश को इंडिया के एकदम सेंटर में होने और यहाँ के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, कल्चर, फूड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की वजह से हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का रॉयल आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को यहाँ आकर आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश नेचर लवर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है और यहाँ आपको काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मध्य प्रदेश की 10 सबसे अट्रैक्टिव जगह जो कि आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। नंबर 10, सांची। मध्य प्रदेश के सांची में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। सांची की सबसे मेन हाईलाइट है यहाँ का द ग्रेट स्टूपा, जिसे 3rd सेंचुरी में एम्परर अशोका द्वारा बनवाया गया था और आज के टाइम पे इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। ये जगह बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का बहुत ही फाइन एग्जांपल है और द ग्रेट स्टूपा को इंडिया के ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स में भी गिना जाता है। यहाँ पे मौजूद मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स पूरी तरह से बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं और सांची आकर आपको इस द ग्रेट स्टूपा में ज़रूर विजिट करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ द ग्रेट बॉल, अशोका पिलर, द ईस्टर्न गेटवे, उदयगिरी केव्स और सांची म्यूजियम में भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 9, मांडू। मध्य प्रदेश की हिस्टोरिकल सिटी मांडू अपने आर्किटेक्चरल वंडर्स के लिए फेमस है। मांडू की हिस्ट्री और हेरिटेज काफ़ी रिच होने की वजह से यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस सिटी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मांडू अपने प्रिंस बाज बहादुर और रानी रूपमती की अधूरी लव स्टोरी के लिए भी फेमस है और बाज बहादुर ने रानी रूपमती की याद में यहाँ काफ़ी फोर्ट्स और पैलेसेस बनवाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सीनिक और रॉयल फील देते हैं। मांडू के इन फोर्ट्स, पैलेसेस और लश ग्रीन गार्डन में आके आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी पुराने ज़माने में आ गए हों, और अगर आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में इंटरेस्ट है तो मध्य प्रदेश आकर आपको मांडू में ज़रूर विजिट करना चाहिए। मांडू आकर आप जहाज़ महल, रानी रूपमती पवेलियन, बाज बहादुर पैलेस, जामी मस्जिद, हिंडोला महल और चंपा बावली में विजिट कर सकते हैं। नंबर 8, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का हाईएस्ट पॉइंट और यहाँ का एकमात्र हिल स्टेशन है। 3,500 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित पंचमढ़ी को यहाँ की लश ग्रीनरी और सीनिक व्यूज की वजह से सतपुरा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। फॉरेस्ट, वाटरफॉल और प्लेजेंट वेदर वाला ये टाउन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की नियर बाई सिटीज के लिए एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे है। यहाँ के एक हिल टॉप पे 5 सैंडस्टोन कट केव्स भी हैं और माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के टाइम पे इन केव्स में ही तपस्या की थी। इस टाउन को ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन जेम्स फोर्थ द्वारा डिस्कवर किया गया था और इसी वजह से यहाँ काफ़ी सारे कॉलोनियल आर्किटेक्चर के चर्चेज भी मौजूद हैं। नंबर 7, ओरछा। बेटवा नदी के किनारे स्थित ओरछा मध्य प्रदेश का एक बहुत ही हिस्टोरिकल टाउन है। ओरछा अपने फोर्ट्स, पैलेसेस और एंशियंट टेम्पल्स के लिए भी फेमस है और यहाँ की हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ओरछा इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज में से एक बुंदेला डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी और यहाँ पे मौजूद 16th और 17th सेंचुरी के पैलेसेस और टेम्पल्स बुंदेला रूलर्स की ग्लोरी को दर्शाते हैं। ओरछा आकर आप यहाँ के काफ़ी सारे अट्रैक्शंस जैसे कि जहांगीर महल, राम राजा टेम्पल, राजा महल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, चतुर्भुज टेम्पल और बेटवा नदी में राफ्टिंग और बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। नंबर 6, कान्हा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश के सेंट्रल रीजन में स्थित कान्हा नेशनल पार्क सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा और एशिया का वन ऑफ द बेस्ट पार्क्स में से एक है। कान्हा नेशनल पार्क एक बहुत ही सीनिक पार्क है जहां 22 स्पीशीज के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और यहां की सबसे मेन हाईलाइट है रॉयल बंगाल टाइगर्स। 1955 में बना कान्हा नेशनल पार्क 940 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है और इस नेशनल पार्क में काफ़ी सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रोटेक्शन में भी काफ़ी एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट किया है। कान्हा नेशनल पार्क में आप काफ़ी सारी फ्लोरा एंड फोना के अलावा दुनिया की सबसे रेयरेस्ट डियर स्पीशीज बारासिंगा को भी विटनेस कर सकते हैं। ये नेशनल पार्क रुडियर्ड कीपलिंग की द जंगल बुक की वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हो चुका है और यहाँ अगर आप इस नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ सफारी का भी मज़ा ले सकते हैं। नंबर 5, खजुराहो। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में स्थित खजुराहो अपने एंशियंट टेम्पल्स और स्टनिंग आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। खजुराहो सबसे ज़्यादा अपने हिंदू और जैन टेम्पल्स के लिए फेमस है और इन टेम्पल्स में काफ़ी सारी इरोटिक स्टैचूज को कार्व करके बनाया गया है जो कि उस टाइम के इंडियन कल्चर और ब्रिलियंट आर्किटेक्चर को दर्शाता है। चंदेला डायनेस्टी द्वारा बनाए गए इन टेम्पल्स में मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग और रिलेशनशिप्स फॉर्म को बहुत ही बेहतरीन क्राफ्टमैनशिप द्वारा दर्शाया गया है और इसी वजह से इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। खजुराहो में फरवरी में खजुराहो डांस फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है
और इस डांस फेस्टिवल में काफी सारे क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस और इंडिया के बेहतरीन आर्टिस्ट के आर्टवर्क को भी डिस्प्ले किया जाता है। तो अगर आप खजुराहो विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो फरवरी आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। नंबर 4, उज्जैन। मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी के ईस्टर्न घाट पर स्थित उज्जैन को इंडिया के सबसे धार्मिक शहरों में गिना जाता है। हर 12 साल से होने वाले वर्ल्ड फेमस कुंभ मेले की साइट भी उज्जैन ही है और इस मेले के टाइम पे यहाँ 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा उज्जैन में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और हर साल सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। उज्जैन इंडिया की सबसे ग्लोरियस सिटीज में से एक है और माना जाता है कि उज्जैन एक टाइम पे इंडिया की स्पिरिचुअल एजुकेशन का सेंटर हुआ करती थी। यहाँ के रिलीजियस सिग्निफिकेंस, आर्किटेक्चर और एजुकेशन सेंटर होने की वजह से ये मध्य प्रदेश की वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शंस है और यहाँ आकर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, काल भैरव टेम्पल, राम मंदिर घाट, हरसिद्धि टेम्पल और कालियादेव पैलेस में विजिट कर सकते हैं। नंबर 3, भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल एक बहुत ही हिस्टोरिक शहर है जिसे सिटी ऑफ रॉयल्स और सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल अपने आर्टिफिशियल लेक के लिए भी फेमस है और यहाँ के अपर लेक और लोअर लेक इस शहर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इस लेक के नॉर्थ में ओल्ड सिटी है जहाँ काफ़ी सारे सीनिक मस्जिद, बाजार और एंशियंट हवेलीज देखने को मिलती है, जबकि साउथ में न्यू भोपाल सिटी है जहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं। भोपाल पे 100 साल से भी ज़्यादा तक फीमेल रूलर्स ने रूल किया था और उनके द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। और उसी समय का बना ताज उल मस्जिद इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है और यहाँ का बड़ा तालाब या अपर लेक इंडिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल लेक्स में से एक है। इसके अलावा भोपाल का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एक बहुत ही फेमस म्यूजियम है जहाँ 450 से भी ज़्यादा आदिवासी ट्राइब्स को डिस्प्ले किया जाता है। नंबर 2, ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। ग्वालियर सबसे ज़्यादा अपने रॉयल पैलेसेस, ओल्ड टेम्पल, हिस्टोरिकल फोर्ट और एंशियंट आर्किटेक्चर के लिए फेमस है जो कि शहर को बहुत ही बढ़िया ओल्ड वर्ल्ड चार्म देते हैं। फोर्ट सिटी के नाम से फेमस ग्वालियर का ग्वालियर फोर्ट नॉर्थ इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीनिक फोर्ट्स में गिना जाता है। ग्वालियर फोर्ट एक हिल टॉप पे बना फोर्ट है जो कि अपने शानदार आर्किटेक्चर और यहाँ से मिलने वाले पूरी सिटी के पैनोरामिक व्यूज़ के लिए फेमस है। ग्वालियर फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 2 अलग अलग टाइम पीरियड्स में हुआ था और इसी वजह से यहाँ के आर्किटेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। ग्वालियर में द ग्रेट इंडियन म्यूजिशियन तानसेन का भी जन्म हुआ था और आज के टाइम पे हर साल नवंबर दिसंबर में यहाँ क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जहाँ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा ग्वालियर आकर आप काफ़ी सारी आर्किटेक्चरल मास्टरपीस जैसे कि जय विलास पैलेस, स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, मन मंदिर पैलेस, टूम्ब ऑफ तानसेन, तेली का मंदिर, सास बहु मंदिर, टूम्ब ऑफ गौज मोहम्मद, सन टेम्पल और भी काफ़ी सारी जगहों पर विजिट कर सकते हैं। नंबर 1, इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड शहर है। इंदौर अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज, एंशियंट टेम्पल्स, मॉडर्न फैसिलिटी और अपनी क्लिनलीनेस की वजह से फेमस है। इंदौर को कई सालों से इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी मिलता आ रहा है और आज के टाइम पर इंदौर ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। इंदौर का वेदर साल भर काफ़ी प्लेजेंट रहता है और यहाँ के कल्चर और आर्किटेक्चर में मुंबई से सिमिलैरिटी होने की वजह से इसे मिनी बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर की ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस यहाँ के रिच पास्ट और हिस्ट्री को दर्शाती है और यहाँ अगर आप रजवाड़ा टेम्पल एंड पैलेस, लालबाग पैलेस, खजराना टेम्पल, सराफा बाज़ार, इंदौर म्यूजियम, अन्नपूर्णा टेम्पल, गांधी हॉल, पाटलपानी वाटरफॉल और भी काफ़ी सारी जगहों पर विजिट कर सकते हैं। इंदौर आकर आप यहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते और आपको यहाँ के फेमस पोहा जलेबी, खट्टा समोसा, मूंग भजिया और दाल बाफला ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, इन सब के अलावा भी मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल जगह है जैसे कि भेदाघाट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर, भीमबेटा, जबलपुर, शिवपुरी, जो कि आप अपनी एमपी की ट्रिप में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम, गुड बाय।